ये देखिए माननीय विधायक जी लकड़ी का सहारा लेकर, अरे गंगा पानी तहसील के मोदी गांव में आपदा पीड़ितों की समस्या सुनकर लौट रहे धारचूला के विधायक हरीश धामी चुंबिया गांव में अचानक आए मलबे के साथ बह गए। साथ में चल रहे कार्यकर्ताओं ने बामुश्किल उन्हें बचाया। उनके मुंह, नाक और कानों में भी मलबा घुस गया था। नाले में बहने के दौरान बोल्डरों की चपेट में आने से विधायक को चोटें भी आई है। इस घटना के बाद उनके साथ चल रहे कार्यकर्ता भी बेहद घबराए हुए हैं। धारचूला से विधायक धामी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से मार्मिक अपील की है। ये देखेंगे आप हरीश धामी जी पूरे कीचड़ में बहते बहते बच गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं कांग्रेस का विधायक जरूर हूँ, लेकिन ये धारचूला की जनता, यह भी आप ही की जनता है। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरी इस जनता को रेस्क्यू कर बचा लें, क्योंकि आज बहुत नाजुक स्थिति है। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप मेरे लोगों को सुरक्षित निकाल दीजिए, इनको सुरक्षित जगह पर पुनर्वास कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप मेरी जनता को सुरक्षित निकाल दें। आज जिस तरह मैं अपनी जनता के बीच गया, उनको देख रहा हूं, मैं भी बाल बाल बच के आया हूं भगवान की कृपा से, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे बचाया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप हेली सेवा कर, जो ये मोरी लोग मोरी में फंसे हैं, लुमती में फंसे हैं, मेत्री के लोग फंसे हैं, या धारचूला में जितनी त्रासदी धारचूला मुंशियारी में आई है, आप इनके साथ इंसाफ करें। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं तत्काल अभी भी मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी जनता की ये बुरा हाल, इस तरह का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी जनता को बचा लें। आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरी बात जरूर सुने। धामी पहुंचने पर घायल विधायक धामी का सेना के चिकित्सकों ने उपचार किया। विधायक धामी 19 जुलाई की रात को टांगा गांव में आई आपदा के बाद से लगातार प्रभावित क्षेत्रों में बने हुए हैं। इधर बृहस्पतिवार को ही आपदा प्रभावित गांवों में जा रहे कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रदीप पाल, तनुज पाल, जीत सिंह खत्री, तिलोक बिष्ट सहित अन्य कार्यकर्ताओं के ऊपर मलबा गिरने लगा। इन कार्यकर्ताओं ने भागकर जान बचाई। भागने के दौरान कार्यकर्ताओं के हाथ और पैरों में चोटें आई हैं।